श्री राधे गुरुमा चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन एवं जरूरत सामग्री का वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कांदिवली पश्चिम के ईरानीवाड़ी स्थित भूराभाई हॉल में सामाजिक सरोकार के तहत समिति साधन वाले 5,000 से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्य प्रदान किया गया। ममताबाई राधे माँ के आशीर्वाद एक प्रेरणा से जरूरतमंद परिवारों के युवा छात्रों को स्कूल बैग और नोटबुक भी वितरित किए गए। साथ ही भगवान शिव के प्रिय सावन माँ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पवित्र नाम जप तथा भजन प्रस्तुत किए गए। पिछले 36 वर्षों से श्री गुरु राधे माँ ट्रस्ट द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को अन्य सेवा प्रदान कर रहा है। भूखों को खाना खिलाना तथा बीमारों को उपचार उपलब्ध कराना राधे माँ का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, अभिजीत राणे और कई जानी मानी हस्तियां राधे माँ के इस कार्यक्रम में पहुंचे और राधे माँ द्वारा निरंतर ही आयोजित यह सामाजिक कार्य के लिए काफी सराहा और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राधे माँ, जय माता दी। ममता में श्री राधे माँ जी का ज्ञान था कि जैसे गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर आज ममता में श्री राधे माँ जी ने जो जरूरतमंद लोग, जैसे बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो कईयों को तालपत्री, कईयों को छाता और साथ में 5 किलो आटे की थैली और 5 किलो चावल की थैली, लगभग 5,000 लोगों को जहाँ पर चैरिटी की गई है। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने देखो जितनी भी जनता है लाइन लगा के जा रहे हैं, बड़े प्यार से प्रेम से सब लेते हैं और हम चाहते हैं हमारे ऊपर की कोई, सब हमारे भाई बहन हैं और ममता में श्री राधे माँ जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। तो जैसे स्कूल बैग, नोटबुक्स, उसमें हिंदी की बुक है, इंग्लिश की है, मैथ की बुक है और साथ में स्कूल बैग हैं वो वाटर प्रूफ है कि जैसे बारिश हो रही है अपने बॉम्बे में तो बच्चों की किताबें गीली हो जाती थी, तो उसके कारण ममता में श्री राधे माँ जी ने वाटर प्रूफ बैग बनाए हैं। उसके अंदर पानी की बोतल भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर भी, यानी कि लैपटॉप रख सकते हैं आप उसके अंदर और भी सामान रख सकते हैं। तो ये श्री राधे माँ जी की आशीर्वाद है। जो हमने रेनकोट दिए हैं वो फ्री साइज है, वो कोई भी पहन सकते हैं। नहीं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब एक संस्था हजारों लोगों को अन्नदान और किताबें बांटने का काम कर रही है तो मैं तो 200-500 लोगों का भी जहाँ पर भला होता है वहाँ चला जाता हूँ, तो यहाँ पर तो हजारों लोगों का भला हो रहा है। तो एक सांसद के नाते मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ जो करता है उसका सम्मान करने के लिए और लोगों को मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे आने से अगर लोगों का भला होता है तो मैंने वो काम करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सांसद जी, राधे माँ गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर साल इस तरह का कार्यक्रम करती है, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है। देखिए, भारतीय संस्कृति है, गुरुओं का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और एक संस्था चली है, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ये संस्था चलता है, तो लोगों का श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है और उसके रिटर्न में भी 5,000 लोगों को अनाज मिल रहा है, 5,000 बच्चों को नोटबुक मिलने वाला है। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि ने जाना चाहिए। मेरे मतदार संघ के लोगों को अगर भला होता है, मोदी जी बहुत कुछ देते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो इस प्रकार के संस्था के लोग देते हैं तो वहाँ पर भी मैं अपने आप जाकर अपने आप को जोड़ लेता हूँ, संस्था के साथ में भी जुड़ता हूँ और लोगों के साथ में भी जुड़ जाता हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी राधे माँ के पास सिर्फ दैविक शक्ति नहीं, एक मानसिक शक्ति है अपने समाज के लिए, जो कि जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमें भी प्रेरित करती है
जरूरतमंद है, उसकी सेवा करना ही परम धर्म है। जब जनता की सेवा इस तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे उनके आदर और बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरह से 5,000 लोगों को आज जैसे उन्हें एकत्रित करके उनकी सेवा की, उनको दान किया। और उनकी जो चैरिटेबल सोसाइटी है बॉम्बे में, जो ट्रस्ट है जो दिल्ली में, उन्होंने अपने पूरे तरीके से कोशिश की है कि वो जितनी ज़्यादा कर सकें वो सेवा करें जनता की, और इसलिए हमको उनका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। देखिए, एक छोटा कार्यक्रम होता है परिवार का तो लोग परेशान हो जाते हैं, राधे माँ का जब भी बड़ा कार्यक्रम होता है हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दैवी शक्ति नहीं तो और क्या है? ये बात तो सही है कि दैवी शक्ति तो एक आंतरिक शक्ति होती है, ईश्वर की शक्ति होती है, लेकिन उसके साथ समाज की सेवा करने की इच्छा और उसका कर्म बहुत बड़ी बात। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राधे माँ की तरफ से हजारों हजार की संख्या में ज़रूरतमंदों को, बच्चों को तो बैग, स्कूली बैग, लोगों को अनाज वगैरह का वितरण किया गया है। गुरु पूर्णिमा हिंदू सभ्यता की एक अपूर्व देन है। इस पावन पर्व पर राधे माँ ने जो गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए जो व्यवस्था की, उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। देखिए, गुरु वही होता है जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पर जो सेवा करें। आज सच में ज़रूरतमंद, आज बरसात के दिन है, बच्चों को बैग की ज़रूरत है, बच्चों को कापियाँ की ज़रूरत है, लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है, वो सारी व्यवस्था राधे माँ की तरफ से की गई है। इसलिए राधे माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे ही जो गुरुजन है ऐसे गरीब लोगों की हमेशा सेवा करते रहें। जय माता दी। राधे माँ जी की कृपा से हर वर्ष उनके जन्मदिन और गुरु पूर्णिमा पर चैरिटी का प्रोग्राम होता है, कभी दिल्ली में और बॉम्बे में और पंजाब में। उनकी कृपा से, उनका आदेश है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन और बच्चों को फीस की पेंशन, मेडिकल पेंशन, और जिन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो उनको दी जाए। श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी नई दिल्ली और श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई ये कार्य पूरे हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से कर रही है। अभी माता जी का हुक्म था बच्चों के लिए भी स्कूल बैग, छाते, रेनकोट बनवाए जाएं, वो इस वर्ष सबको यहाँ बॉम्बे में बांटे जा रहे हैं। माता जी का ये भी आदेश है कि जो बच्चे हमारे शिक्षा नहीं पा रहे हैं उनके लिए, उनके लायक पुस्तकें और नोटबुक्स का भी वितरण किया जाए। अभी हमारी भविष्य में माता जी की कृपा से योजना है कि कुछ ऐसे क्षेत्रीय विद्यालय खोले जाएँ जिसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए। ये सब कार्य राधे माँ जी की कृपा से उनके भक्तों द्वारा समय समय पर किया जाता है, और राधे माँ जी की भक्तों पर अपार कृपा है कि वो ये कार्य पूरी लगन से करते हैं और हर वर्ष हर समय स्थान को बदला जाता है ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये सेवाएं प्रदान की जाए। जय माता दी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन राधे माँ के पूरे ग्रुप ने और राधे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आज कांदीवली के भूराबाई आरोग्य भवन में हजारों की तादाद में लोग आए हैं। माँ का दर्शन लिया, माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया, और माँ ये कहना चाहती है हमेशा आशीर्वाद देते हुए कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक किसी को तकलीफ नहीं, वो उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। आज भी छोटे बच्चे को उन्होंने बैग, बुक्स, रेनकोट, छतरी और बड़े लोगों को आटा दिया गया है, तो ये आशीर्वाद रुपए में। तो ये कहूँगी कि आटे की एक कण भी अगर लोगों के पास पहुँचे और वो अन्न के रूप में वो ग्रहण करें तो उनका सही मायने में श्रद्धा के रूप से उनका जरूर अच्छा होगा, जो मन की अच्छी भावना है वो जरूर पूरी होगी। तो मैं आज सभी भक्तजनों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपके अपने गुरु है और सभी को नमन करते हुए, दर्शन करते हुए हमने एक ही भावना रखनी चाहिए कि हम हमारे परिवार को, हमारे इलाके को, हमारे पूरे परिसर को और पूरे देश को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे देश की सेवा की जाए, वही हम सभी ने करना चाहिए। जय माता दी।